आज हम नींबू का स्पाइसी अचार बनाएंगे। कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था नींबू का एकदम आप खट्टा मीठा अचार कैसा बना सकते हो, और आज का वीडियो रहेगा नींबू का स्पाइसी अचार। इस वीडियो में सेम अचार में हम चार अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ये मैं वीडियो में आके डिस्क्राइब करती रहूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नींबू का एकदम स्पाइसी अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो नींबू ली है। नींबू एकदम साफ सुथरा और बिना दाग वाला होना चाहिए। नींबू को अच्छे से धो दे, उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ ले, क्योंकि नींबू के ऊपर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपका अचार खराब हो सकता है। यहाँ पर आप खास बिना दाग वाला नींबू ले। अगर कोई नींबू पर दाग हो उस नींबू को अलग कर दे, उसका जूस निकाल दे और इस अचार में हम आगे यूज कर लेंगे। सारे नींबू को साफ सुथरा सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ ले। पोंछने के बाद इसे कट कर ले। तो यहाँ पर मैंने 1 नींबू के 8 पीसेस में कट कर लिए हैं। आप चाहे बड़े पीसेस रखें या छोटे पीसेस रखें, तो इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस रखे हैं ताकि ये गलने में आसान हो, और जितना हो सके इसके बीज अलग कर दें। अब हम इसे सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के लिए इसे धूप में रखेंगे। उसके लिए नींबू में नमक और हल्दी डालें। 1 किलो नींबू में 100 ग्राम जितना नमक डालें, तो लगभग 5 से 6 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून जितना हल्दी डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप चाहे इसे ही कपड़ा लगा के धूप में रख दें, या तो आप कांच का साफ बॉटल ले उसे भी कपड़े से साफ कर दें और उसके बाद ये सारे नींबू उसमें ट्रांसफर कर दें, ढक्कन लगाए या कपड़ा बांधे और इसे धूप में रखे। अगर स्ट्रॉन्ग धूप रहेगा तो ये लगभग 6-7 दिन में तैयार हो जाएगा, और अगर हल्की धूप रहेगी तो इसे 8 से 10 दिन या 12 दिन भी लग सकते हैं। बस हमें यहाँ पर नींबू को सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट जितने नींबू रहेंगे ये उतने ही कम कड़वे लगेंगे और अचार उतनी ही जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि मसाला डालने के बाद इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। या जितना भी आपको नींबू को सॉफ्ट करना है पहले इसे धूप में रखें, सॉफ्ट हो जाए उसके बाद सारे मसाले इसमें डालें। धूप में रखने के बाद इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये है छोटे पीस वाले नींबू। अगर आप अखे वाले नींबू या बड़े पीसेस वाले नींबू रखना चाहते हो, ये देखिए, ये मैंने कुछ बर्नी में बड़े पीसेस भी रखे हैं, तो आप इस तरह भी रख सकते हो। ये बेसिक अचार है। इस तरह आप नींबू को धूप में रखे, सॉफ्ट करके एक बॉटल में भर के रखे, ये साल भर खराब बिल्कुल नहीं होगा। और जब भी आपको अचार बनाना हो, जैसे आपको मीठा अचार बनाना हो तो इसमें से आप लेके बना सकते हो, अगर तीखा बनाना हो ताले डाल के तीखा बना सकते हो। तो चलिए अब हम बनाएंगे तीखा अचार। उसके लिए पहले मसाले तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे सौंफ, तो ये सौंफ लगभग 4 टेबलस्पून है। अब डालेंगे जीरा 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग। पहले हम इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ग्राइंड होने में आसान होगी, तो हल्के से हम सिर्फ 30 से 40 सेकंड जितना इसे रोस्ट करेंगे और एकदम स्लो फ्लेम पर। ये रोस्ट हो चुके हैं, गैस बंद कर दे और ठंडा होने दे। ठंडा होने पर इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। इसी के साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ग्राइंड करेंगे। तो पहले हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून तीखा वाला लाल मसाला और 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मसाला। यहाँ पर अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप लाल मसाला की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। 1 टीस्पून सोंठ का पाउडर डालेंगे और इस सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इस तरह ड्राई मसाला तैयार हो जाएगा। अब ये सारे मसाले नींबू में मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने नींबू को एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और ये काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस स्टेज पर अगर आपको कोई बीज दिखते हो तो उसे निकाल दें। अब इसमें मसाले मिक्स करना होगा, तो इसे मैं एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी और इसी में सारे मसाले डाल देंगे। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते समय ये आपको काफी ड्राई लगता होगा, लेकिन जैसे नमक और मसाले एक दूसरे से जैसे मिक्स हो जाएगा, अपने आप ही ये थोड़ा लूज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा रसीला बनाना हो तो इसमें लगभग 6-7 नींबू आप अच्छे से इसे स्क्वीज कर दे, उसका रस निकाल दे और इसमें डाल सकते हो। एकदम जूसी
बिना तेल वाला अचार तैयार हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा कलौंजी, लगभग एक टीस्पून, एक टेबलस्पून सौंफ का पाउडर और मुझे मसाले थोड़े कम लग रहे तो लगभग 2-3 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची में और डाल, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद लगभग आप 4-5 घंटे इसे रहने दें, अपने आप ही ये और सॉफ्ट हो जाएगा। ये हुआ स्पाइसी अचार। अगर आपको बिना तेल वाला अचार खाना हो तो ये अचार तैयार है। इसे आप नॉर्मल टेम्परेचर में 8 दिन रख सकते हो और फ्रिज में आप आराम से 1 साल तक रखें, ये खराब नहीं होगा। यही स्पाइसी वाले अचार में से अगर आपको थोड़ा सा मिठास चाहिए तो आप 1 किलो नींबू के अचार में 1/4 किलो जितना शक्कर डाल दें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अचार लिया है, इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद शक्कर अपने आप मेल्ट हो जाएगा और ये अचार थोड़ा लूज हो जाएगा, तो ये स्पाइसी भी रहेगा और थोड़ा सा मिठास भी रहेगा इस अचार में। यानी नींबू की खटास के साथ जितनी स्पाइसी है उतना हल्के से मिठास भी है, तो आप इस तरह से ये नींबू का अचार भी बना सकते हो। और इसी अचार में अगर आपको बाहर रखना हो तो आपको तेल डालना होगा। तेल को अच्छे से गरम कर दे, गरम करके ठंडा करें। ठंडा करने के बाद अचार में तेल मिला दे, इसे अच्छे से मिक्स कर दे, तो ये तेल वाला नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। ये अचार जिस भी बर्नी में आप भर रहे हो तेल ऊपर तक होना चाहिए, तो अचार नॉर्मल टेम्परेचर में भी खराब नहीं होगा। तो देखा ना दोस्तों, सेम अचार में आप 4-5 वेरिएशंस कर सकती हो। यानी आपको नींबू सिंपल लेना है, नमक और हल्दी डाल के धूप में रख दे, वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो एक फर्स्ट प्रोसेस है। यानी आप वो अचार सेम टू सेम इसी तरह रख सकते हो। अगर आपको उसी अचार में सिर्फ मीठा बनाना हो तो कल की वीडियो में मैंने गुड़ डाला है और थोड़ा सा मसाला, तो ये खट्टा मीठा अचार तैयार हो जाएगा। आपको एकदम स्पाइसी वाला बिना तेल वाला अचार खाना हो तो अचार को इसी तरह रहने दे, तो ये आपका अचार तैयार हो जाएगा। लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि उसके अंदर तेल नहीं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना हो तो इसमें तेल डाले और इस अचार में मिक्स कर दे और इसे क्लीन बॉटल में भरे, और जो भी बॉटल में आप भर रहे हो तेल ऊपर तक होना चाहिए, तो ये अचार खराब नहीं होगा। इस तरह आप अचार बनाइए और साल या 2-4 साल भी रखे, ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। सारे टिप्स फॉलो करें। अचार में नमक बराबर होना चाहिए, अचार बनाते समय इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारे टिप्स फॉलो करें तो अचार बनाइए, आपकी अचार परफेक्ट बने। रेसिपी जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपके अचार कैसे बने। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज़।